अगर 17 लाख के लगभग नए यूनिट खुले तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। चार साल में अगर आप कहेंगे तो मेरे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, लेकिन 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम कि इन जो एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री खड़ा करना चाहता है उसके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फिनेंशियल इंक्लूजन। तो उसमें मेरा एक तो है माइक्रो का, वो है PMEGP जो 25 लाख तक, और एक है जो कोलेट्रल फ्री हम गारंटी सरकार लेती है जिसे CGTMSE कहते हैं। अब ये दोनों का मैं अगर आपके सामने रखूं तो दोनों मिलाकर के अगर मैं केवल CGTMSE कहूं तो 11 लाख लोगों को उन्होंने 2010 से 2014 में इतने एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल इंक्लूजन करा पाए। लेकिन मैं क्योंकि इसमें तो झूठ साथ में कह नहीं सकता, मैं अपनी बात ये रिजर्व बैंक के डेटा के साथ है, अब तक लगभग 17 लाख एंटरप्रेन्योर को हम केवल CGTMSE में और 2 लाख PMEGP के अंदर। और मुझे खुशी है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा होते होते 2 लाख करोड़ का क्रेडिट फ्लो बैंक के द्वारा ये अब हो जाएगा। अगर हमने 18-19 लाख एंटरप्रेन्योर खड़ा किया तो वो किसी न किसी को एम्प्लॉयमेंट तो दी, चाहे दरबान रखा हो, सेल्समैन रखा हो, ऑपरेटर रखा हो, ऑफिस में रखा हो। तो एक डेटा है MDI गुड़गांव का, उसने कहा है कि भाई 7.2% लोग इनके यहाँ लग एक यूनिट में है, और जो कलेक्टर फ्री है जो 2 करोड़, पहले 1 करोड़ था, अब प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ किया। अब 2 करोड़ ही नहीं किया, जब रिजर्व बैंक ने कहा कोलेट्रल जो आपका कार्पस फंड है वो 2500 करोड़ था, उसको अब हम लगभग 8000 करोड़ पर ले गए, तो उसके कारण ही ये क्रेडिट फ्लो हो पाया है। तो अगर 17 लाख के लगभग नए यूनिट खुले तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, जो एक लोगों में मिथक है कि रोजगार नहीं, ये 4 साल में ये डेटा के मुताबिक है, ये केवल मेरी जवानी कही हुई नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।